स्वागत सम्मान मधुर भाष मुखहास से समझ अतिथि भगवान अतिथि जगत में पूज्य है देव तुल्य तिहु लोक करें समादर बिनत मन मिटे सकल दुख शोक। सुप्रभात। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। एचपी जोन एफ एआरओ श्री नमित शर्मा जी, प्रधानाचार्य डीएवी भरमौर श्री विक्रम सिंह जी, श्रीमती कुंद्रा मैम जी, डीएवी चंबा प्रधानाचार्य श्री एके गुलेरिया जी, हमारी प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए आए ऑफिशियल मेहमान, दिव्य विद्यालयों से आए अध्यापक वर्ग एवं समस्त छात्रों का अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी डीएवी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता क्लस्टर लेवल का ये आज दूसरा दिन है जिसमें एथलेटिक मीट्स का आयोजन किया जा रहा है। और मैं सर को बताना चाहती हूँ कि सर, हमारी एथलेटिक मीट्स का ये दूसरा दिन है जिसमें अधिकतर हमारी खेल प्रतियोगिताएं जो हैं वो कल हो चुकी हैं 28 जून को। आज दूसरा दिन है जिसमें अभी कुछ खेल प्रतियोगिताएं अभी जिनका आयोजन किया जा रहा है और कुछ ही क्षण में ये सभी कंप्लीट होने वाला है। तो सर, आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत एक बार फिर से। अब मैं वेलकम के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे मंच पर अमित सर, जो बैजेस लगा के सम्मानित करेंगे आज के मुख्य अतिथि महोदय को। हमारी खेल के बारे में कुछ बच्चों के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, खेल की दुनिया में ताकतवर और अटूट भावना से प्रेरणा लेते हैं। विलियम अर्नेस्ट किनती का हमेशा से स्रोत रही है। खेलों के माध्यम से हम समाज में व्यापक हर कृति का नाश करके समाज को एकता रूप पाता है। इनसे मनुष्य में नेतृत्व का निर्माण हम कर पाते हैं। खेलों को समाज की उन्नति और समृद्धि का आधार माना जाता है, क्योंकि खेल भी एक अच्छे भाव के साथ अपने खेलों को खेलें और जीवन को उन्नत बनाएं। स्टैंड बिफोर यू ऑनरेबल चीफ गेस्ट एआरओ एचपी जोन एफ श्री नमित शर्मा जी, principals from different schools and dear students. As I stand before you on this vibrant day, I would like to tell you that today is not just a day off, but a celebration of our spirit, hard work and unity. It's my humble request, if Ashwi sir is hearing me, kindly report near the stage. Ashwi sir, प्रतियोगिता में भाग लें और प्रतियोगिता
सेकंड कर्व के बाद जो है आप लेन चेंज कर सकते हैं, समझ गए ना? ठीक है ना, सेकंड कर्व जैसे कंप्लीट होगा ना तो आपने वहां से आप अंदर वाली लेन जो शॉर्टेड लाइन है आपकी इनर बॉर्डर उसको करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आप? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद जो है ना फिर आप अंदर ही दौड़ेंगे। बैटिंग के लिए आप जो है फिर आगे पीछे हो सकते हैं, और जैसे कल बताया था जो जो आपका टैगर दिया ना, टैगर के आगे 10 मीटर आगे और रेड है और पीछे जो है येलो, और आगे दोनों ही है। चलो जी, थैंक यू।
Yeah.
Principal D.A.V. Sungani, Shri Naresh Ji. Now, I again request Principal Sir to honor Principal D.A.V. Bhadmau, Shri Vikram Singh Ji. I also request sir to honor Kundra ma'am. घोषणा की अनुमति चाहूंगी सर। धन्यवाद सर। बच्चों के लिए दो पंक्तियां। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। अब परिणाम घोषणा से पहले मंच पर आगे मैं डाइस के पास पोडियम को हौसला बढ़ाने के लिए पुरस्कार वितरण के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। 800 मीटर रेस इवेंट अंडर 19 बॉयज मूवी 800 मीटर रेस बॉयज अंडर 19 भी सुनवाई। भारद्वाज जी भी सुनवानी फर्स्ट पोजिशन।
फर्स्ट इवेंट है हमारा, फर्स्ट करण भारद्वाज ये भी सुनाने तालियां बजती रहनी चाहिए, बच्चों का मनोबल आत्मविश्वास बढ़ता है। आप जल्दी चंबा याशिका डी ए बी चंबा फर्स्ट पोजीशन। इवेंट नेक्स्ट इवेंट है डिस्कस थ्रो वंश वैभव कुमार और तरुण ये मंच के पास आए। कैप्टन ही आ जाए पीयूष ठाकुर शिवांश ठाकुर बॉयज शिवांश ठाकुर डी ए वी चंबा अंकुश मारिया पानम देव आशिया एंड मारिया डिस्कस थ्रो अंडर 19 गर्ल्स आरुष अधर अथर
सेकंड पोजीशन डीएवी चंबा जिसमें है उत्कर्ष एंड फर्स्ट पोजीशन डीएवी सुरगानी अंशुमन दिव्यम अर्णव नवीन। सेकंड पोजीशन डीएवी चंबा बच्चे हैं उत्कर्ष भुवन धनंजय सक्षम एंड डीएवी चंबा अंडर 17 बॉय 4x100 मीटर रेस। अंडर 17 बॉयज थर्ड पोजीशन अभिमन्यु आकर्ष डीएवी चंबा दिवाकर विराज रेस अंडर 17 बॉयज। रिले रेस अंडर 19 बॉयज जिसमें डीएवी चंबा थर्ड पोजीशन डीएवी सुरगानी सेकेंड एंड विनर टीम डीएवी अंबोटा। अंडर 19 बॉयज डीएवी चंबा डीएवी सुरगानी डीएवी इनाम लेने से रिले रेस अंडर 17 थैंक यू सभी चंबा रिले रेस। कहाँ से जाना है और कहाँ से एग्जिट करना है इसके लिए गाइड करें। लॉन्ग जंप अंडर 14 गर्ल्स थर्ड पोजीशन साबी ठाकुर डीएवी अंबोटा एंड तीन गर्ल्स श्रेया शर्मा डीएवी सुरगानी सौम्या डीएवी ऊना विनर श्रेया करिश्मा सौम्या। लॉन्ग जंप अंडर 14 बॉयज ऑन थर्ड पोजीशन वी हैव अनिरुद्ध डीएवी अंबोटा ऑन सेकेंड पोजीशन वरुण डीएवी भरमौर एंड ऑन फर्स्ट पोजीशन दिव्यम राणा डीएवी सुरगानी एंड फर्स्ट पोजीशन इज बैक बाय दक्ष रमोत्रा डीएवी चंबा। काइंडली अरेंज योर सेल्फ नियर द स्टेज। विशाल डीवी भरमौर कौशिक राणा डीवी सुरगानी एंड दक्ष डीवी चंबा। अंबोटा ऑन सेकेंड पोजीशन वी हैव करणित ठाकुर डीवी चंबा एंड फर्स्ट पोजीशन इज बैक बाय करण भारद्वाज डीवी सुरगानी। On second position we have Rishika Devi Sundani and first position Tanisha Devi Una. Second position Akshit Rana Devi Sundani and first position Divakar Singh Anirudh Akshit and Divakar. First position we have Saksham Thakur Devi Sundani. RM Chaudhary, Nitin Thakur, Saksham Thakur.
led by D.A.V. Chamba and the guy D.A.V. Sundani, Navya Kumari, next event is led by D.A.V. Sundani, Kalpana, Simran, Ishita and Karishma. Collect yourself near the stage. Sungani boys category under 14, 17 and 19. सभी बच्चों को शुभकामनाएं. विनर टीम कैटेगरी अंडर 14, 17, 19 डीएवी स्कूल चंबा. Under 14, 17 and 19. Overall trophy, runner-up goes to D.A.V. Chamba. Thank you, sir. बहुत बहुत बधाई. Overall trophy, girls, winner team, any guesses? D.A.V. Surungani. Very good. Well done. योगदान जो है बहुत रहा है हमारे इन दो दिनों में. उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले बुलाना चाहूँगी श्री उमेश चोना जी, श्री कमलजीत सिंह जी. श्री नवल कुमार जी.
स्थाई स्वरूप प्रेरणा हेतु कुछ शब्द कहें और बच्चों को आशीर्वाद दें प्लीज सर. आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द विनर्स एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द लूजर्स ऑल्सो. Winning or losing doesn't matter. The most important thing is the confidence that you generate and that allows you, that permits you to enter on the ground. Just to enter on the ground is winning moment. So for me, you all are winners. Shri Ashok Guleria ji, principal of the host school. Shri Naresh ji, principal DAV Public School Surgani. Shri Vikram ji, principal DAV Public School Bharmaur. Madam Suman Kundra from DAV Kharoda, Shri Bhagirath Chaudhary Sahib from the District Sports Authority, and all the match officials from various government schools. I thank you, sir, for being part of this DAV Sports Athletic Meet 2024. And we need your cooperation in future as well. बच्चों एक बात मैं आपसे थोड़ा सा और खुल के मैं आपको बताऊं. Sports, it is very close to my heart. और sports के लिए हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे से करें. जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्कूल्स में अभी नहीं है, धीरे धीरे हम इसको भी इम्प्रूव करेंगे. We are being blessed by the President DAV College Manji Committee New Delhi, Dr. Padam Shri Poonam Suri ji. It is his vision and which is being taken up by the Director DAV College Manji Committee, Dr. V. Singh, who is the overall organizer of this national level DAV Sports. DAV Sports is now, it is being affiliated and is being approved by Ministry of Youth and Affairs. So participate in it. Never hesitate to participate in any sort of game. Hamesha aap game mein participate kare. और जब तक आप खेलोगे नहीं, क्योंकि पार्टिसिपेशन से, गेम्स खेलने से, सी आप एक दूसरे का नेटवर्क बनता है. हम एक दूसरे से, पीयर ग्रुप से सीखते हैं. हार और जीत ग्राउंड में सीखी जाती है. जो जीवन में ग्राउंड में नहीं उतरा, उसको हार कैसे पचानी है और जीत कैसे पचानी है, ये नहीं आई. जीत के नम्र रहना है और हार के विचलित नहीं होना है. फिर से उठकर, जो हार कर फिर से उठ जाता है, वो हारा हुआ नहीं कहलाता, वो एक दिन जरूर विजेता बनता है. तो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. आप देखो, एक एथलेटिक्स की बात करो तो एथलेटिक्स में अभी हमारे टाइम में तो कार्ल लुईस होते थे यूएसए से. और आपके ज़माने में अगर नाम सुना हो, अभी 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 हाल ही में रिटायर हुए हैं, हुसैन बोल्ट का नाम सुना है, तो उसकी तरह स्प्रिंटर बनो, उनकी बायोग्राफी पढ़ो हो कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करी है और जमैका से कैसे निकल के आए हैं. जमैका के एथलीट्स जो यूएसए को भी हराते हैं. और गर्ल्स के लिए हमारे टाइम में बहुत एक इंटरनेशनल फेमस ओलंपियन हुई थी, आप देखना कभी उनको, नेट पे उनका नाम है, फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जॉइनर करसी. मैंने उनको खेलते हुए देखा हुआ है, जिनके भी नाम मैं ले रहा हूँ. इसी तरह से एक छोटी सी स्टोरी आई वांट टू शेयर विद यू. आपने, आप में से किसी ने आर्थर एश का नाम सुना है?
आर्थर एश वो ब्लैक थे और टेनिस के प्लेयर थे, लॉन टेनिस के। उनकी एक स्टोरी है, नेट पे ढूंढना, वाई मी। अब जब हम यहाँ पे ग्राउंड में खेलते हैं, देखते हैं कि किसी ने ट्रॉफी जीत ली, तो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, इसको क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, वाई मी, वाई नॉट मी। सो अब आप देखो, लॉन टेनिस इस समय हाईली पेड गेम है वर्ल्ड की, जिसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन। अब वहां पे इनिशियल राउंड्स होते हैं और वो गेम शुरू होती है राउंड ऑफ आई थिंक 64 से इंटरनेशनल लेवल्स पे। आप देखो, जब हम यहां से शुरू करेंगे तो लाखों प्लेयर खेलेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते टॉप पे जाने के लिए 64 प्लेयर्स रह जाते हैं। कितने बच्चों ने रैकेट खरीदे होंगे, कितनी बॉल्स, कितना कोच, कितना पेरेंट्स की कॉपरेशन है, कितनी बच्चे की डेडिकेशन है, कितनी कोचिज की है, कितनी ट्रेवलिंग है, कितना पसीना उसने स्वेटिंग करी है उसके पीछे। और जब वो राउंड ऑफ 64 पे पहुंचते हैं तो उसके बाद पहले मैच में राउंड ऑफ फिर 32 रह जाता है, 32 बाहर हो जाते हैं, एंड देन राउंड ऑफ 16, देन राउंड ऑफ 8, प्री क्वार्टर फाइनल, सॉरी क्वार्टर फाइनल, देन राउंड ऑफ 4 यू एंटर इनटू द सेमीफाइनल एंड देन इनटू द फाइनल। देर आर ओनली 2 प्लेयर्स जिसमें से एक जीतेगा। आर्थर एश को कैंसर था और जब वो जीते तब उन्होंने दुआ करी, क्योंकि तब हम नहीं कहते वाई मी। तो आप ये देखो कि हम ही क्यों के पीछे जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तब जाके आप शिखर पे पहुंचते। इतनी आसानी से शिखर पे नहीं पहुंचा जाता। ये आपकी शुरुआत है और अगर जिस दिन आप शुरुआत को ख़त्म कर देंगे, आप अंजाम तक नहीं पहुंच सकते। तो मेरी आप सबसे, बच्चों से और कोचिज से, एस्कॉर्ट स्टाफ से, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अथॉरिटीज से, मैच ऑफिशियल से, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जहां कहीं भी हो इन बच्चों को इनकरेज करें, इनकी शुरुआत को जो बहुत अच्छी है इसको एक अंजाम तक मुकाम तक पहुंचाए, क्योंकि अब स्पोर्ट्स में बहुत नाम है, बहुत थोड़ा सा कैरियर होता है स्पोर्ट्स में और आप बहुत जल्दी पीक पे पहुंचते हैं। सब्जेक्ट टू आप कितनी मेहनत करते हैं कि आपकी मेहनत दुनिया में बोले कि ये कौन से देश का है, ये कौन से गांव का है, ये कौन से शहर का है, इसके माँ बाप कौन है। आपकी वजह से आपका नाम रोशन हो, आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन हो, आप सब हमारे एलुमनाई बने। टीचर्स को बहुत बहुत बधाई, वाकई में बहुत गर्मी है यहाँ पे। कल इन्होंने जिस तरह से मुझे गुलेरिया साहब बता रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया है। आई हैव रिसीव नो कंप्लेंट। आप सब बच्चों को खाना अच्छे से मिला है, सो आप अच्छे से, गुलेरिया साहब लंच भी करवाएंगे, लंच आप सबको मिलेगा और लंच के बाद आप आराम से अपने अपने घर पहुंच सकते हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू। आई वुड लाइक टू कॉल आवर वर्दी प्रिंसिपल सर टू प्लीज कम टू पे वर्ड ऑफ थैंक्स। शर्मा जी, प्रिंसिपल डीएवी ब्रह्मौर, मिस्टर बिक्रम जी, टीचर इंचार्ज डीएवी चौथरा मिसेज शुमरकुंद्रा जी, ऑफिशियल्स ऑफ दिस एथलेटिक्स मीट, एस्कॉर्ट टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट डीएवी स्कूल एंड डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी हेल्दी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। I hope
All of you have enjoyed this 2 days program, and as the sir has said, we tried our best to serve you better, and I hope you have also enjoyed the hospitality. I am here to propose a vote of thanks. So first of all, I would like to thank the Almighty, Paramatma, who has failed the declaration of meteorological department. Chamba, Kangra and Mandi, they were on high alert. But you all have seen that yesterday as well as today, the mausam was very pleasant, and this all happened due to the Almighty. Secondly, I like to thank the officials of this tournament. Without their help, it was not possible to complete this tournament. So please have a big hand for the officials of this tournament. District Sports Authority, as well as the District Education Department. I am also thankful to these two departments also. Along with it, my heartiest thanks to the Police Department, those who have given us the permission to use this ground for this tournament. Department of Public Health and Irrigation, Jal Shakti Vibhag, those who have provided the 24 hours water supply here in this ground. I would also like to thank the media persons present here, those who have given the wide coverage to this tournament. So I have a big end for them. My heartiest thanks to all the principal, those who have motivated you people to move to Chamba, although the Chamba is very far off from the rest of the part of Himachal Pradesh. But no doubt, it's a beautiful place. When you come to Chamba, you never think to leave it. So if you want, you may stay for a long time here. It's an invitation from DAV Chamba to you all. My heartiest thanks to all the physical education teachers of DAV HP Zone F, those who have put their very best to prove yourself here in this tournament. So my heartiest congratulations to all the sports teachers of HP Zone F. At last, definitely, this all get happened in a comfortable way with the help of my dear colleagues as the staff members of DAV Public School Chamba. So my heartiest thanks to all the staff members, and my special thanks to the sporting staff, because they have done their best to keep the ground neat and clean, the washroom neat and clean, and serve each and everyone here on the play field. That is little bit difficult to organize each and everything when you have a venue away from your school. My thanks to all the helping staff, drivers and conductors, those who have made your journey to the playground, to the school and school to playground comfortable. And the biggest thanks to our ARO, Mr. Nabil Sharma, who has given me this opportunity to organize the athletics meet here at Chamba. Dear students, the sports is a very important part of our life. Love it up to the extreme. It is that kind of love which have an ability to make you people a celebrity. That will make you people to earn a lot of things in your life. If you are academically well, and you perform very good in the sports, definitely you have a double support system with you. Along with your academic, you have a chance to qualify any exam, and the sports, it gives you a reservation in a different
educational institutions, as well as the different types of the jobs that is given by the government. Moreover, the best thing that the sports pay to us, that is, it keep us physically fit, mentally fit, and socially healthy. And these all things, they are very much important in spite of the trophies and medal. I think those who have practiced for a 1 month, a week, or a 1 or 2 days, they might have inculcated a very good habit among themselves, and this habit will definitely pay you a lot in future. So it's very hot. Without speaking much in front of you, you all are eager to leave the station, and I think you also need the lunch at this time. That is much important than my speech. So I would like to conclude my word with all the best to you all and best of journey to all the students, those who have to leave the station. So once again, thank you very much to you all. Thank you. शांति पाठ करें, शुरू करें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वम् शांति ही शांति रेवा शांति सामा शांति।